आई एम अ बिग माइकल जैक्सन फैन, और मुझे लगता था कि माइकल जैक्सन के फैंस से ज्यादा क्रेजी फैंस और कहीं नहीं है, क्योंकि मैंने माइकल जैक्सन के बहुत सारे कॉन्सर्ट्स देखे और वहां मैंने लोगों को बेहोश होते हुए देखा है, गिरते पड़ते देखा है, जस्ट बाय सीइंग हिम। बस उन्हें एक झलक मिल गई माइकल जैक्सन की और वो बेहोश हो रहे हैं, उनसे बिलीव नहीं हो रहा कि सामने माइकल जैक्सन है। इस लेवल के फैंस थे माइकल जैक्सन के। मे बी बिकॉज जिस तरीके के माइकल जैक्सन के सॉन्ग्स थे, जिस तरीके से माइकल जैक्सन परफॉर्म करते थे, मे बी उसकी वजह से। और मेरे को लगता था कि शायद ही कभी ऐसा होगा कि इस लेवल के फैंस होंगे किसी के, कि इस लेवल का फैंडम होगा कभी किसी का, कि शायद ही कभी कोई ऐसा परफॉर्मर होगा या ऐसे परफॉर्मर्स होंगे जो साथ में गाते भी होंगे, जो डांस भी करते होंगे और जिनके इस लेवल के फैंस होंगे। मैंने सोचा था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, एंड देन आई डिस्कवर्ड K-pop। ओके, तो तुम्हें पता ही है कि K-pop क्या है। एक सेकंड, तुम्हें K-pop नहीं पता? तुम्हें K-pop कैसे नहीं पता भाई? अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। अ साउथ कोरियन म्यूजिक जॉनरा दैट जनरेट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर द साउथ कोरियन इकोनॉमी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इतना पैसा जो तुम गिन नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। एक ऐसा म्यूजिक जॉनरा जिसका सबसे क्रेजीएस्ट फैन बेस है। इस जॉनर के जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्मर्स हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल सिंगर्स हैं। सबसे क्रेजीस्ट बात पता है क्या है? जो भी इस म्यूजिक जॉनर के बैंड्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, बाहर की दुनिया के जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है जस्ट टू गेट दैट वन चांस टू मेक अ सॉन्ग विद हिम, टू कोलैबोरेट विद हिम, कि उन्हें वो एक मौका मिल जाए इनके साथ कोलैबोरेट करने का। क्योंकि जो वैल्यू K-pop स्टार्स की है, उतनी वैल्यू शायद ही किसी म्यूजिक स्टार की होगी। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डू यू गेट देयर? तुम एक K-pop स्टार कैसे बनोगे? एंड द आंसर इज स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स। लेट्स यूज मी एज एन एग्जांपल। आई यूज्ड टू वेक अप एट 6 a.m. इन द मॉर्निंग, हैव टू गो टू हंगामी बार फॉर अबाउट 2 आवर्स, आफ्टर दैट गॉट टू गो टू डांस प्रैक्टिस, एंड देन इफ आई हैड अ शो परफॉर्मेंस व्हाटएवर, हैड टू गो टू दैट, एंड आफ्टर आई एम डन विद दैट, इफ इट्स अर्ली 11 p.m. आई हैव टू गो बैक टू डांस प्रैक्टिस, and we practice till 1 a.m. in the morning, and then we go home, have a shower and sleep. Each day, I'm like so friggin' tired. Imagine doing that for 10 years, for maybe like $0 a day, $2 a day if you're lucky, for 10 years. एक ऐसा contract जो तुम्हारी life बना भी देगा और destroy भी कर देगा। ये contract खाली economic terms में ही degrading नहीं है। $0 a day, $2 a day if you're lucky. लेकिन ये एक ह्यूमैनिटी के लेवल पे भी काफी डिग्रेडिंग है। For 10 years. इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर तुम हायर होते हो तो तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, तुम्हें एक स्टार बनाया जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ तुम्हें पूरे तरीके से तुम्हारे लेबल्स कंट्रोल कर रहे होंगे। और खाली म्यूजिक में ही नहीं, तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ तुम्हारा लेबल कंट्रोल करेगा। लेबल पूरी पूरी कोशिश करेगा कि वो तुम्हें ऐसे मॉडिफाई करे कि तुम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे आ जाओ और उनके हिसाब से जैसा वो तुम्हें आर्टिस्ट बनाना चाहता है तुम वैसे बन जाओ। और इन लेबल्स का मेन एम ये होता है कि ये तुम्हें एक ऐसा आर्टिस्ट बना दे जो बहुत अट्रैक्टिव हो दिखने में, और वो तुम्हें एक बहुत ही गुड लुकिंग हेट्रोसेक्सुअल स्टार बना देंगे, बिकॉज उनका एम वही रहता है। जैसे तुम यूट्यूब पे देखते हो ना, काफी सारे यूट्यूबर्स है जो गुड लुकिंग है और उसकी वजह से उनके पास बहुत ज्यादा क्राउड होता है। टैलेंट वगैरह सब साइड में रख दो, लेकिन उसकी वजह से उनके पास बहुत ज्यादा क्राउड आ जाता है। सेम वे में K-pop लेबल्स काम करते हैं, लेकिन K-pop लेबल्स बहुत मैसिव स्केल पे सेम चीज करते हैं। वेट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों से एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसको मैं खुद यूज करता हूँ, और वो एक ऐसी ब्रांड से है जो मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है, और मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेदिक हेयर ऑयल की फ्रॉम उस्त्रा। ये हेयर ऑयल एकदम नेचुरल है और बहुत ही हाई क्वालिटी का है। इसके अंदर 8 नेचुरल हर्ब्स हैं, अश्वगंधा, नीम, रेड अनियन, ब्रिंगराज, बहेदा, रोजमेरी, हरद, अनामला। मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और मैंने डिफरेंस देखा है। इसके इंग्रेडिएंट्स की वजह से ये हेयर फॉल से फाइट करता है, डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, एंड इवन ग्रेइंग को भी प्रिवेंट करता है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो गवर्नमेंट की बात मान लो, बिकॉज आयुर्वेदिक हेयर ऑयल फ्रॉम उस्त्रा इज वेरीफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट है और बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है।
इसी वजह से उस तरह और मैंने एक कोड क्रिएट करा है तुम्हारे लिए। इस कोड को तुम देख सकते हो, इस कोड को यूज़ करने पे तुम्हें एक बहुत बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और तुम बहुत आराम से इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। तो उस तरह के आयुर्वेदिक हेयर ऑयल को तुम खुद परचेस करके खुद यूज़ करके देख सकते हो। इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ एंड मैंने खुद डिफरेंस देखा है। अब चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। के पॉप आइडल्स जो होते हैं, जो के पॉप स्टार्स होते हैं, उन्हें खाली लेबल से ही प्रेशर नहीं होता, लेकिन साइड बाय साइड उन्हें फैन से भी काफी प्रेशर फील होता है, क्योंकि वो बहुत मैसिव लेवल पे फेमस होते हैं। लेकिन उन्हीं फैंस के वजह से इन स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स पे थोड़ी सी रोक लगी है, क्योंकि फैंस ने काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट करा कि इन आइडल्स को ढंग से नहीं रखा जा रहा है, ढंग से इन आइडल्स की केयर नहीं करी जा रही है। काफ़ी सारे फैंस ने रिवोल्ट करा और उसके बाद ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स का जो पूरा कल्चर था वो थोड़ा कम हुआ है। काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसके अंदर आइडल्स ने बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े साइन कर दिया है और उनके बाद वो लेबल के वर्कर बन के रह जाते हैं, वो टोटल लेबर कर रहे होते हैं। अभी के टाइम पे जो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी वर्किंग तब भी थोड़ी नॉर्मल हो गई है, लेकिन जब इनिशियल लेवल पे के पॉप इंडस्ट्री पूरी बिल्ड हो रही थी तो जब नए स्टार्स जो थे उनके साथ बहुत 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 बुरा हुआ है, क्योंकि उनके स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। जिन आइडल्स ने स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन करे होते हैं उनका मंथली चेकअप होता है, उनका वेट चेक होता है, एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि अगर तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो तो वो तुमसे वेट रिड्यूस करने के लिए बोलेंगे, इवन दो अगर तुम अंडर वेट हो तब भी। और लेबल्स को कई बार ऐसे पकड़ा गया है कि वो सारे स्टार्स को एक साथ कलेक्ट करके उनका साथ में टेस्ट लेते हैं, एंड जब किसी का वेट ज़्यादा निकलता है या कोई आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उसको ह्यूमिलिएट करा जाता है और वो के पॉप आइडल्स कुछ बोल भी नहीं सकते बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। जो लेबल्स और कंपनीज हैं जो ये के पॉप स्टार्स पे इतना प्रेशर डालती है, वो अपने आप को जस्टिफाई करते टाइम ये बोलते हैं कि हमारा काम है उनको बेस्ट लुकिंग दिखाना, दैट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस, और वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तो वो कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज उन कंपनीज का मेन काम ये है कि वो कोरियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बेस्ट लुकिंग दिखाएं अपने आइडल्स को, इवन दो अगर वो वीक हो तो। BTS जो शायद अभी सबसे सक्सेसफुल ग्रुप है के पॉप के अंदर, उसके एक मेंबर ने सुगा ने खुद बोला था कि आई थिंक मेरे को खुद डाइट पे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है, इवन दो मैं अंडर वेट हूँ फिर भी मेरे को डाइट पे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को वेट कम करना है, क्योंकि इंडस्ट्री चाहती है कि मैं टेलीविजन पे आऊँ और मेरे को अपनी अपीयरेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे तुम देख ही सकते हो कि खुद एक मेंबर बोल रहा है कि उसे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसे अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी इवन दो वो अंडर वेट है। दिस शोज कि के पॉप आइडल्स के पास कोई चॉइस नहीं होती, उन्हें वही करना पड़ेगा जो उनसे मांगा गया है कंपनीज के थ्रू, लेबल्स के थ्रू। काफी सारे के पॉप स्टार्स ने यूट्यूब पे खुद आके स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सपोज करा है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल बॉय बैंड का पार्ट बन सकते हो, यू कैन बी फेमस, यू कैन हैव एवरीथिंग यू वांट, लेकिन तुम्हें एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ेगा, तो क्या तुम करोगे? अभी इतनी देर से हम वेट की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए लेबल्स कंपनीज इस लेवल तक चले जाते हैं कि वो कई बार अपने आइडल से डिमांड करते हैं कि वो प्लास्टिक सर्जरी कराएं। काफ़ी के पॉप स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया कि उनकी नाक एक स्पेसिफिक शेप में नहीं थी तो उनकी नाक को तोड़ के रीफिक्स करके वापस से सेट करा गया था, जस्ट सो दैट कि वो अच्छे लग सके कैमरा पे और वो एक कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड को मैच कर सके। बॉडी मॉडिफिकेशन और प्लास्टिक सर्जरी भी एक बहुत बड़ा पार्ट है के पॉप इंडस्ट्री का, लेकिन जब तुम इतना ज़्यादा फोकस करते हो एक एंटरटेनमेंट साइड पर तो उसके रिजल्ट्स भी तुम्हें मिलते हैं, और उसके रिजल्ट्स तुम टूरिज्म में देख सकते हो, बिकॉज साउथ कोरिया में हर 13 में से एक टूरिस्ट के पॉप की वजह से आता है। 13 में से एक इंसान को साउथ कोरिया इसलिए घूमना होता है क्योंकि उन्हें के पॉप पसंद है। खुद सोचो कि हर साल $3.6 बिलियन इकॉनमी में जाते हैं के पॉप के थ्रू, और उसके बाद 13 में से एक टूरिस्ट उस कंट्री में के पॉप की वजह से आता है, तो इन के पॉप स्टार्स और के पॉप बैंड्स के पास किस लेवल की पावर होगी? तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत ही जल्दी कोशिश करूंगा पार्ट 2 डालने की। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको के पॉप पसंद है, एंड पार्ट 2 कमिंग सून। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।